अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, दिस इज़ आवर सेवन लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 1B, पेज नंबर 9 and 10। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6, ये एडिशन के क्वेश्चन हैं, आज हम इसको करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। ऐड द फॉलोइंग, यानी जस्ट आपको सिंपल ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करना आप लोगों को पहले से आता है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि जो आप मिस्टेक आप लोग सबसे ज़्यादा करते हैं वो होता है कि नंबर जो है राइट ब्लो जो है आपको प्रीवियस नंबर के नीचे लिखना होता है। यानी अगर 6 ऊपर है तो 7 इसके बिल्कुल नीचे होगा। यानी आपने एक पूरी वैल्यू लिख ली, जब आप सेकंड वैल्यू लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, यानी इस तरह से करके लिखते हैं। और नंबर के नीचे नंबर होना लाजमी है। अगर आप इसके कॉलम्स को ख़राब करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो आपका एडिशन गलत हो जाएगा। तो बस आपको ये ख्याल रखना है कि नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, फिर तो आप जस्ट सिंपल इसको जो है प्लस कर सकते हैं। 7 और 6 आप इनको प्लस कर लीजिए, 13, 4 और 1, 5 और 1, 6, 8, 5 और 3, 8, 4 और 3, 7। सिंपल एडिशन है, कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं यहाँ दो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 ऑलरेडी मैंने इसीलिए पहले से कर लिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 5 में 0 प्लस किया 5, 6 और 3 9, 8 और 5 13, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 6 12, 7 और 1 8 और 1 9। इसी तरह सी एंड डी आप इसको इजीली आराम से ऐड कर लेंगे, बस नंबर का ख्याल कीजिएगा। राइट वर्टिकली एंड ऐड, यानी कि अब इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा गया है इस तरह से। आपको पहले वर्टिकल यानी इस तरह से इस फॉर्म में लिखना है, ऊपर नीचे लिख के, और फिर ऐड करना है इसको। हमने देखें 2, 4, 6, 3, 9 लिखा, 2, 4, 6, 3, 9। सेकेंड 10251, तो 1520 मैंने आपसे कहा राइट टू लेफ्ट लेके जाइएगा, नंबर के नीचे नंबर लिखिएगा। 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 में 5 ऐड किए 9, 6 और 2 8, 4 में 0 ऐड किए 4, 2 और 1 3। ठीक है, इसी तरह बी आपने इसी तरह वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया गया था, आपने इसको वर्टिकल लिखा और ऐड कर दिया। देखें आप नंबर आप देखें बिल्कुल राइट आफ्टर द प्रीवियस नंबर। अब यहाँ पे 3 दिए गए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, आपने इसको वर्टिकल में लिखा। अब ये ना देखें कि ये 5 डिजिट हैं, ये 6 डिजिट हैं, ये 7। आप लाइन से लिखते जाएं और राइट साइड से जो है नंबर उतारते जाएं, जहाँ आपका कोई ना, अब जैसे ये स्पेस खाली आ रही है क्योंकि ये 5 जो है डिजिट थे, तो कोई मसला नहीं, खाली रहने दें। अगर आपको ज़्यादा मसला होता है तो आप उसकी जगह पर 0 लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और एडिशन के अंदर तो ये ज़्यादा मसला नहीं होता। 8 और 1 9, 9 में 3 ऐड किए 12, 3 और 1 4, 3 ऐड किए 7, 8 और 5 13, 13 में 6 ऐड किए 19, 4 और 1 5, 5 में जो है 9 ऐड किए 22, 2 और 1 3, 4 5 6 7, 2 और 1 3। बस आपको ये इसी तरह से बस आप कर लें, इजीली हो है, बस नंबर का ख्याल करिएगा। राइट द नंबर विच इज़, अब आप देखें 200 more than 12500, यानी इस नंबर के अंदर हम 200 मोर देन का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर लेस देन का वर्ड आए तो आपको माइनस करना होता है, और अगर मोर देन का वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है आपको प्लस करना है यहाँ पे। तो आपने क्या किया, रफर का कॉलम बनाया, 125000 लिखा और 200 को उसमें ऐड कर दिया। मैंने आपसे कहा राइट साइड से लिखेंगे 002 और इनको ऐड कर लिया, 000 000 में 2 प्लस के 2, 5 2 1, ऐसे ही आ गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1252 00, ये आपका आंसर। यानी इस नंबर में 200 ऐड करेंगे तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 125200। अब यहाँ पे 1000 more than 200000, यानी 200000 में 1000 को ऐड कर दें। तो हमने ऐसे लिखा रफ वर्क में, उसमें 1000 को ऐड करवाया, ये हमारा आंसर है। इसी तरह 900 more than, यानी 460100 में 900 को ऐड कर दें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 461000। एक दफ़ा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी कि आपको माइनस करना है। अभी हम एडिशन के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे। 9 में से 7 माइनस किए 2, 8 में से 4 माइनस किए 4, 3 में से 2 माइनस किए 1,
सिक्स में से फोर माइनस किए टू, अब फोर में से नाइन नहीं जा सकता, वन कैरी लिया फोर्टीन और ये आपका सिक्स हो गया। फोर्टीन में से नाइन माइनस किए फाइव और ये सिक्स, ये सबट्रैक्ट द फॉलोइंग है। आप सिंपल इसको कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मैंने दो पहले से किए हुए हैं, आप लोग खुद ये नंबर क्वेश्चन देख लें ए बी सी डी और अपने कॉपी में आराम से कर सकते हैं। इसी तरह राइट दिस वर्टिकली एंड सबट्रैक्ट, जैसे हम पीछे कर रहे थे एडिशन के अंदर कि हम हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था वर्टिकली इसको लिख रहे थे, यहाँ भी यही करेंगे। बस नंबर का ख्याल कीजिए, अब एट में से नाइन नहीं जा सकते, कैरी लिया एटीन, एटीन में से नाइन गए नाइन, इसने कैरी दिया था ये टू हो गया, अब टू में से फोर नहीं जा सकता, सेवन में से वन कैरी लिया ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फोर माइनस किए एट, ये सिक्स हो चुका था, इसने कैरी लिया सिक्सटीन, सिक्सटीन में से एट गए एट, ये फाइव हो गया था, फाइव में से टू गए थ्री और थ्री में से वन गए टू। बस आपने कैरी लेते जाना है, जैसे ही आप कैरी लेंगे तो पीछे वाले डिजिट में एक कम कर दें, क्योंकि एक हमने उससे कैरी लिया है तो उससे उधार लिया है, तो अब हम वहाँ पे फिर एक कम हो जाएगा और आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये बी और सी, ये आप इसको देख के करें और इसकी प्रैक्टिस करें। सेम वही क्वेश्चन है जो एडिशन में थे, वही सब्ट्रैक्शन में है। क्वेश्चन नंबर नाइन, सब्ट्रैक्ट हंड्रेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी अब आपको इस नंबर में से हंड्रेड को जो है माइनस करना है। तो टू में से जीरो गए टू बचा, फाइव में से जीरो गए फाइव, नाइन में से वन गए एट, सिक्स फोर वन एज इट इज़ आ गया, तो अब हमारा आंसर बनता है फोर से वन फोर सिक्स एट फाइव टू। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट बोले या लेस देन बोले, आप जो है फौरन से उसमें माइनस कर दें। अब ये फाइव हंड्रेड थाउजेंड है, इसमें से भी हंड्रेड माइनस कर दिए हमने, तो हमारा आंसर होता है, ये हमारा आंसर। सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे पीछे हम 100 माइनस कर रहे थे, यहाँ हम 500 माइनस कर रहे हैं, तो हमने अब वैल्यू लिखी पूरी 385620, उसमें से 500 माइनस कर दिया, जीरो में से जीरो गए जीरो, टू में से जीरो माइनस किए टू, सिक्स में से फाइव माइनस किए वन, फाइव एट थ्री, ऐसे ही आ गया। और इसी तरह आप इसका बी जो है वो भी, उसमें भी 500, जब हमें एक दफ़ा क्वेश्चन दे दिया गया उसके ए और बी हमें पार्ट दिए गए, दोनों में से 500 माइनस करना है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं, और बहुत इजी एक्सरसाइज थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट नाइन टेन, आज ये पूरा आप लोग इस काम को जल्दी जल्दी करके ले आएँ और एक्सरसाइज नंबर वन ए की प्रैक्टिस करें एम टी वन के लिए, यानी मंथली टेस्ट वन के लिए। थैंक यू।